कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मग्दी रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल बेंगलोर में मग्दी रोड पर स्थित सोमवार यानी आज एमएम फूड प्रोडक्ट्स कंपनी की फैक्ट्री में लगा बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि घटना दोपहर में करीबन 2:45 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब फैक्ट्री में 7 लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान बॉयलर में जोर से धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बचाव का काम शुरू किया। आग पर काबू पाने के बाद अंदर फंसे लोगों को वहां से निकाला गया, जिनमें से ज्यादातर लोग आग की चपेट में आ चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस हादसे की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार जिन 2 लोगों की मौत हुई वह बिहार के रहने वाले हैं, वहीं जो 3 लोग घायल हुए उनमें से 2 महिलाएं थी। साथ ही फैक्ट्री के मालिक को भी लाखों का नुकसान हुआ है। बेंगलोर वेस्ट के DCP संजीव पाटिल ने बताया कि मरने वालों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि 2 महिला समेत 1 व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि MM फूड फैक्ट्री को 2017 में स्थापित किया गया था और इस फैक्ट्री में एप्पल चिप्स, कॉर्न स्टिक्स, जैक फ्रूट चिप्स तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें बॉयलर का इस्तेमाल आलू को उबालने के लिए किया जाता है।